गाइस डे टू शुरू होता है, ब्रेकफास्ट आ चुका है, सामने व्यू तो आपको पता ही है, सनराइज मस्त हुआ हुआ है, आज साफ है एकदम, बढ़िया साफ व्यू है। अभी वो उसकी उसका शिपैक आपको बाद में दिखाते हैं, पहले जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में ऑमलेट है, पोहा है, आलू पूड़ी है, चाय है, कॉफ़ी है, इसके बाद मिलते हैं। हेलो जी, वेलकम वापस आपका। आज 9 बजे के करीब हमने कहीं नाश्ता किया, जब आपने नाश्ते का सीन देखा, हम बैठे हुए मस्त नाश्ता कर रहे थे नीचे बेड लगा के, एक सेकंड सामने पहले सीन देखो तो यार, ये मौसम ना आज जो खिला खिला मौसम है, धूप निकली हुई है, बादल साफ है, एकदम पहाड़ मस्त दिख रहे हैं, जो कल छुपे हुए थे ना, आज आपको सारा व्यू साफ दिखेगा। तो वापस उसके बाद अब बज रहे हैं एक बज रहा है, अब हम तैयार हुए हैं निकलने के लिए डे टू। आज हमने जाना है कहीं ट्रैक करने का, हम सोच रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट ट्रैक है और 2-3 चीज़ें जो वहीं पर ही हम देखेंगे, तो अभी तो निकलते हैं, थोड़ा शायद खाएंगे पीएंगे शायद, क्योंकि भूख वापस लग रही है, इतना अंदर हम बैठे थे दूसरे कमरे में, तो हम यहाँ से शुरू होते हैं हमारा डे टू। और मौसम में ना फुल मार्क्स करें, ये शीशे से देखो भाई, ये व्यू भाई। और इस व्लॉग में मैं बार बार बोलता रहूँगा कि कैमरा से जस्टिस नहीं हो रहा, इधर आके पता चल फॉरेस्ट ट्रिप पे आने का ना आपको दिखाता हूँ, एक बंदा ये तैयार हो रहा है, एक उधर धूप सेक रहा है, एक इधर कैमरे से बातें कर रहा है, और कमरे का हाल देखो, इस अलमारी का हाल तो रहने दो ना, देखो तो अच्छा, इधर ये तैयार हो रहा है, इधर पर भाई सारी बात फिर वही है कि व्यू आज तो ऐसे मस्त धूप निकली हुई है। ओहो, बाहर जाके हमको दिखाते हैं व्यू प्रॉपर, अभी जब जाएंगे नीचे ट्रैक करेंगे, ये पता नहीं क्या उदास होकर बैठा हुआ है। कल रात को हम फोन पे रील देख रहे थे, यहाँ पे स्क्रीन पे कास्ट करके, इधर सारे तीनों बैठ के ये गद्दे को यहाँ बिछा के धूप सेकते हुए मस्त, हमने 3 घंटे बातें करी हैं, सामने व्यू देखा है, अब तैयार होके अब जाएंगे बाहर। आज जाना कहें भाई? आज जाना है जॉर्ज हिल एवरेस्ट। जॉर्ज हिल एवरेस्ट आज जॉर्ज हाउस टाइप कर सकते हो, और वहाँ ट्रैक भी है थोड़ी देर की, मैं सुना है वहाँ व्यू बहुत अच्छा है, ये भी साथ जाएगा। लो जी, तीनों बंदर एक बार फिर से तैयार होके निकल गए, आज जॉर्ज तक जाना है, अभी लेनी है कैब, फिर कैब से वो कहीं तो छोड़ देंगे, फिर वहाँ से ट्रक शुरू है, तो अब पहले ये चढ़ाई चढ़नी हमें, पहले ये वाला ट्रैक हमारा पीछे वो होटल से बाहर जाने तक मॉल रोड के लिए, ये पूरा ट्रैक रहता है, अब ये करेंगे वो पीछे, देखो वो चढ़ाई चढ़ते हुए हम आए हैं सामने मॉल रोड, जहाँ कल घूम रहे थे आज भी आ गए हैं, अब यहाँ से पूछनी है कैब, ये है यहाँ की मॉल रोड, ये एग्ज़िट है, मतलब एग्ज़िट मान लो, एंट्री मान लो मॉल रोड का, ये सारी मॉल रोड है, इधर हमें इधर जाके कैब लेनी है। आज मौसम देखो बिल्कुल साफ है, सिर्फ एक छोटे मोटे बादल हैं जो हैं, तो ये सारा सीनरी व्यू जो है वो साफ दिख रहा है। कल तो ऐसा बुरा था, कल बादल हमारे साथ साथ चल रहे थे, हम बादलों में थे, बादल हम में थे, आज ऊपर है हम हैं। तो अभी चल रही है कैब की तलाश, और कैब की तलाश में हम पीछे से उतरते उतरते पहाड़ उतर रहे हैं अपने होटल से, ऐसे 2 किलोमीटर तक जाना है नीचे, मौसम फुल सूरज फुल बादल क्लियर, इधर भाई साहब एक बंदर चल रहा है, इधर 3 बंदर चल रहे हैं, ऐसे चलते चलते पहाड़ उतरते उतरते एक व्यू दिखा है, हम यहाँ उतर रहे थे और मेरी नज़र पड़ी इस व्यू पे, हमारा होटल उधर है, एक मिनट ये बोर्ड आ गया बीच में, हमारा होटल उस साइड है, तो आपको वहाँ से यहाँ का व्यू दिखाता था ना, और एक बार आप ये देखो पहाड़। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बार कहा था रोड नॉट टेकन, अभी वही सीन हो गया, एक सड़क उधर जा रही है, एक पीछे जा रही है, एक इधर जा रही है, अब हम लेने वाले हैं बस आ रही, अच्छा हम लेने वाले हैं रोड नॉट टेकन। Roads diverged in a yellow wood. I'm sorry I could not travel both and be one traveler. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. चेक करें भाई ये व्यू, अब हम वापस नीचे जाएंगे मिनट में, इधर जंगल 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 भी शुरू कर दो, अब हम वापस नीचे टैक्सी या कुछ देखने के लिए। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जब आपके पास प्लानिंग पूरी नहीं होती ना,
तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है जब हम पूरा पहाड़ उतरते हुए आ रहे हैं, जिसके लिए हम कल कैब से गए थे अपने होटल। तो अभी हम ये वादियों में, मतलब वादियाँ तो नहीं कहेंगे, इस व्यू के साथ चल रहे हैं, पर इसमें भी एक अपना अलग ही मजा है। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ जाओ, सब चीज़ें होती रहें, उसका एक अलग मज़ा है, लेकिन इस चीज़ का ना अपना थोड़ा सा अलग मज़ा तो देखो है। एक टैक्सी स्टैंड दिख तो रहा है, शायद वही एक टैक्सी स्टैंड है जिसके लिए हमें ऊपर से बोला जा रहा था कि नीचे मिल जाएगा, मिल जाएगी टैक्सी। देखना पड़ेगा क्या यही है वो टैक्सी स्टैंड, वरना ये माहौल तो यही है जो चाहिए था। फाइनली भाई साहब, फाइनली हमें मिल गई हमारी कैब। हम ऊपर से उतरते आए हैं, अभी हम उतर गए होंगे दो दिन सर, यहाँ से भिजवा देंगे कोई। सर एक चीज बता दो आप, यार उससे मना भी कर रहा था पैसे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ये जो मॉल रोड है ऊपर पिक्चर पैलेस के पास जी, वहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जी, 2 किलोमीटर हम उतर के आए हैं। फिर हमें अभी कैब मिली, अब हम जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट, वहाँ ट्रैक करेंगे। टूटनी अच्छा, आज आपके भाई ब्लॉग के लिए अगर आप देखोगे तो मौसम काफी सही हो रहा है आज। टूटनी बजी भाई, टूटनी भाई, भूख ही लग गई है भाई। लाओ यार कुछ तो। अरे मैंने बोला तो था उसे, पूछे नंबर दे। अब फाइनली अब हम जा रहे हैं, वो कर देता मैं, करता पेमेंट। इन्होंने कहा था छोटी गाड़ी आएगी, छोटी छोटी गाड़ी, बड़े में तो जहाज आया था। अच्छा 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 चलो ठीक है, थैंक यू। हेलो, चलो ठीक है साहब। छोड़ा है जहान नीच, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मिलो, दूर ये वादियाँ। फिर धुआ धुआ तलहर बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो किसी मंजर पर। मैं रुका नहीं कभी खुद से भी, मैं मिला नहीं ये गिला तो है, मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 फिर से। भाई आज मैंने कली परचेज करी और आज बस बस तुम्हारा भी हो गया। फिटकी जैसे सपने ये कितना भी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ, किस तरह से मैं तोड़े हैं छोड़े हैं। भाई साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। ये कहाँ आ गए भाई, हम ये बालू के बच्चे को ये मसूरी ने। हम ये किस जगह पे उतरा है, हमें कैब लेके आई, अभी हमें यहाँ से ट्रैक करने जाना है। ट्रैक को छोड़ो, आप एक बार ये नजारा चेक करो भाई, क्या नज़ारा है भाई। मुशी मुशी कहते हैं इसको भाई हम। आप एक बार यहाँ की ना सेटिंग चेक करो, स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो हमने मैगी ले ली है, 2 मैगी पहाड़ों में, 2 मैगी और उसके बाद ऊपर वापस। ये मैगी आ गई, ये तीखी चटनी, इसको खा के यूं खा के ना बस हमने फिर वहाँ जाना है। यूं चार घंटे में मैगी डन। अब लाइफ की पहली ट्रैक शुरू, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की तरफ।
ये शॉर्ट्स के चक्कर में ना सांस बस 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 ओए उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या दाग ही देंगे मुझको दान में क्या ब्रेक करते हुए हम वो पीछे से आए बहुत ऊपर आ गए और हमें एक चीज देखी यहाँ पर हमने ब्रेक लिया एक चीज देखी वो सामने वहाँ किसका घर है कौन रह रहा है वहाँ कैसे रह रहा है दुनिया से बिल्कुल अलग कैसे आ रहा है पानी कैसे आ रहा है इंसान भाई इंसान खा रहा है करके आ रहा है ये वो तो ठीक है वहाँ देखो भाई वो वो वाइट वाइट कैसे खाना पानी पहुंच रहा है देखो ऐसा घर है कुछ ऊपर छोटा सा घर है हाँ ये कोई तो रह रहा है भाई वहाँ पे खाना पानी कैसे पहुंच रहा है हवा अब यहाँ से ना पक्का रास्ता खत्म होता है नीचे एंड से लेके यहाँ तक पूरा पक्का रास्ता था वो खत्म हुआ अब वहाँ से आएगा गार्डन और फिर आएगा कच्चा रास्ता और एक बार नजारा भी सब नजारा बोलने वाली बात तो रह नहीं गई वो आप खुद ही देख ही लोगे अब बार बार क्या ही बोले तो कोई टोकता भी नहीं यही होता है यहाँ आने से तो लगता ना कि हम कितनी नेचर की चीजों को है फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो देखो यार क्या लग रहा है यार देख पीछे भाई पीछे देखो आप लोग यूं जो तकता है आसमान को तो कोई रहता है आसमान में क्या कोई रहता है आसमान में क्या उम्र गुजरेगी और अभी हमें जाना है अभी हमने वहाँ वहाँ टॉप पे होंगे हम ब्लाइंड रिएक्शन भाई बिल्कुल ब्लाइंड मुझे कोई पता नहीं आगे क्या दिखने वाला है अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा से अपना रिएक्शन दिखाऊंगा फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा मैं कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लाइंड रिएक्शन वैंग अभी दिखाता हूँ ना अभी ब्लाइंड करूँगा कैमरा फ्लिप पहले अभी बिल्कुल ब्लाइंड रिएक्शन क्या दिखने वाला है अब मैं आपको दिखाता हूँ हम आए वहाँ से वहाँ खड़े होके मैंने आपको दिखाया ये पहाड़ अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने देखा ब्लाइंड रिएक्शन में एक ही था जहान में क्या मुझे नहीं पता यहाँ पे आके मेरी ब्लॉगिंग स्किल्स कितनी काम कर रही है नहीं कर रही आई हैव नो आइडिया ठीक है और मैं बस एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ को ना एक बार खुद आके एक्सपीरियंस करना ब्लॉग में कितना आ रहा है मुझे भी नहीं पता जब एडिट करने बैठूंगा तो समझ में आएगा कितने शॉट आए थे और कितने उसमें से ब्लॉग में जाते हैं मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है बट एज अ ह्यूमन एज अ पर्सन लिविंग यू हैव टू बी एनीवेयर इन माउंटेन्स किसी भी जगह पे हो आप इंडिया में या किसी भी फॉरेन लैंड में हो नॉट जस्ट इन मसूरी बट डू जॉइन योर सेल्फ विद नेचर कनेक्ट करो खुद को भाई क्योंकि यहाँ पे जब हम खड़े होते हैं ना तो एक एम्बियंट साउंड होती है जो कैमरा में या फ़ोन में इतनी कैप्चर नहीं होती वो मैं एडिट करके भी नहीं डाल सकता वो यहाँ पे जो महसूस होता है ना आपको तब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आती है इन चीज़ों की मैं आपको एक बार फिर से वापस एक चीज़ दिखा अभी मैं और ज्ञान एक बात कर रहे थे कि वहाँ जो घर है एक घर आपको वहाँ दिखाया था एक उधर है उधर किधर लाइक देखो ये वाला तो चलो घर है एक घर है और दो घर है तो मतलब दो चार लोग रहते होंगे वहाँ एक लौटता बंदा है यहाँ वो वाइट वाइट वाला का एक छोटा सा घर है वहाँ पे दिखने वो दिख रहा है वाइट सा हाँ। वो एक घर है यहाँ से हमें दिख रहा है हम सोच रहे थे कि यार वहाँ पे इंसान रहता होगा उसने लाइफ में कुछ इतना बढ़िया सीखा होगा कि उसको पता लग गया कि सब कुछ अलग है उसके लिए कोई जो पॉइंट नहीं कुछ नहीं उसको बस उसका घर है वहाँ और वो इतना कुछ सीख चुका है कि उसको किसी मतलब नहीं है किसी के साथ होगा तो मतलब बात करनी है अगर उस बंदे का बैठ के आप चाय पे बात करो ना लाइफ में कुछ सीख के जाओगे होगा जो कुछ कुछ को भी नाम आवा अपना एक्सपीरियंस जो कुछ ना बता पाए वो बता देगा मैं व्लॉग में ये कह रहा था कि आप चाहे इंडिया में हो या कहीं भी हो एक बार नेचर में जाओ सिर्फ मसूरी नहीं कहीं भी जाओ जहां आपको सिर्फ पेड़ पहाड़ दिख रहे हो ना ये बीच में नहीं सीख सकते पहाड़ों में आना पड़ेगा इंसान जहां आता है यार वहां कुदरत थोड़ा नुकसान तो झेलती है हाँ जैसे थोड़ा बहुत तो क्या मैं सबको पता ही है ये जो चीज़ें हैं ये हम सुधार सकते हैं बट खैर एटलीस्ट मतलब अगर कभी ऐसा हो कि कोई कभी उसका मन करे डाले कि आप आ सकते हो हाँ। एक दिन के लिए स्टे के लिए
और पैसा भाई ट्रिपल चार्ज करे। कभी भगवान जा रहा हूँ मैं जरूर जा जाऊँगा यार, लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा एक दिन के लिए ही सही कि वहाँ कैसे रहते हैं, खाना कैसे आता है, पानी कैसे आ रहा है वहाँ। और फिर वो जो बात भी करेगा ना उसका लहजा भी होगा कि वो सिखा जाए यार, वो उसने देखा उसको बनते हुए, वहाँ पानी चढ़ता कैसे है, पाइप थोड़ी होगी वहाँ, वहाँ कुछ तो जाता होगा। हमारी वही डेली लाइफ शोर शराबा, कम्यूट करना, आना जाना, मेट्रो। तो भाई फुल कॉन्टेक्स्ट भाई, इसने लाल पहनाया अर्जुन ने, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा सांड आया और हमारी तरफ आया और भाई मैं इधर हुआ उसके पीछे चला गया। नेचर ने दिखाया कि नेचर में कुछ तो है, हमने वो जोर से याद कर लिया नेचर को। मैं इस बात से खुश हूँ कि अटेंटिव थे हम, अगर हम अटेंटिव ना होते तो हम दोनों की मैं हम यहाँ ना होता, एटलीस्ट मैं तो ना होता यहाँ, ये तो नहीं हो पाता शायद मैं बच जाता। लाल ये भाई वो गाय सांड भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी है भाई, ये था भाई वो हैंकी पैंकी करने आया था। व्यू देखो भाई, अबे उठा एक बार उठा भाई, हेलीकॉप्टर उनको ऊपर टॉप पे लेके जा रहा है पर हम खुद जाएंगे। ये लास्ट स्टॉप ऊपर जाने से पहले, फिर पक्का ऊपर ही खाएंगे जो खाएंगे, यहाँ तो नहीं हो, यहाँ से खाने के बाद ब्रेड ऑमलेट और चाय। क्या है गाइस, चाट फिल्स पता नहीं भाई, कुछ तो नहीं भाई, हवा अंदर देखिए कहाँ रह गए कुरकुरे चाट फिल्स। अगर हमें ऊपर जाना है, काले बादल आ गए हैं, बट हमने कहा एक छोटा स्टॉप। इतने बड़े ये बढ़िया भाई, सेक के बढ़िया ब्रेड इन वादियों में, ब्रेड ऑमलेट के बाद बन ऑमलेट। बन ऑमलेट इज समथिंग आई विल लाइक टू। तो भाई अब हो गया हमारा खाना पीना, हमारे पास आधा घंटा है इस ट्रैक को करने में, ताकि पीछे का सनसेट हमें ऊपर से दिखे। ये आपने जो जियोग्राफी मेरे शब्दों से सुनी है ये आपको मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा। सीमेंटेड ट्रैक है, नहीं अब एक्चुअल ट्रैक, एक्चुअल भी नहीं है वैसे ये, बट ठीक है भाई। पाजी हाँ जी पाजी भाई, वो देख बनाने वाला एक उसके मखलूक भी उसी के बनाए हुए हैं। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूं हरम भी हूं, शिया भी हूँ सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित। क्या बोलूँ, मैं था मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। एंड वी मेड इट टू द टॉप। अपनी लाइफ में पहाड़ चढ़ना चढ़ लिया भाई, होगी ट्रैकिंग डन। कैसे तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुदगर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ, कैसे तेरी खुदगर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुदगर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ। पैगंबर तर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। कभी ना मान जा रे फकीरा, मान जा, आजा तुझको।
को पुकारे तेरी परछाइयां ए कबीरा मान जा रे फकीरा मान जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया पांच से 70 लोग चढ़े ऊपर। ये आज का नहीं है, ये पहले का ये है, बता रहा हूं ये तो पांच से का तेरा पीछे 711 था। ये है 25/11/2023 का, इसमें 500 लोग हैं 25 तारीख का। और वो दिखाएं 700 वाला, अब दिखा रहा हूं मैं आपको, ये दिखा रहा हूं, ये है 26/11/2023 का। ये देखो 711 लोग, 224 वो है इसमें मिसिंग सीरियल नंबर। अच्छा सीरियल नंबर इस पे प्लस 3 प्लस 4 है भाई। आज हम तीनों मतलब सिटीजंस के उस पे हम ही थे जो लास्ट 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 हम उतरे ना, आप ही उतरे लास्ट, सबसे लास्ट उतरे। अभी तो सांस छोड़ना हम करेंगे, अभी चलते हैं। कितना रुपया? ओके भैया, थोड़ा तो आइए। तो आपका नाम? आशीष साहब। आशीष, धन्यवाद भैया, थैंक यू जी, आपको शुभ रात्रि, थैंक यू, आपको भी गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट। यहाँ से हमने मैगी खाई थी। इट्स डन। ज्ञान भाई, ओ मतलब जी पारी, पारी। हाँ जी, मेरी एक ख्वाहिश है। बोलो जी, बोलो। ये उतरते ही ना, हाँ प्लीज वो डोरा वाला साउंड इफेक्ट डाल दो, हमने किया है। ठीक है जी, प्लीज हमने किया हो जाएगा जी। दैट्स ऑल फ्रॉम जॉर्ज एवरेस्ट हिल, वी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मंथ। मेरे फोन में बैटरी भी और मेमोरी दोनों बहुत लो है, बस मैं बताना चाहता हूँ। हमने किया, किया, हमने किया, ये, हमने किया, हमने किया।